प्रेरणा जगत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक मिलकर सोचें पर आधारित किशोर बच्चों के नैतिक विकास हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम सुंदरता। अमोल तथा अमिता अच्छे मित्र थे। अमिता उसकी चचेरी बहन भी थी और अच्छी मित्र भी। दोनों के मन में सुंदरता से प्रेम था। अमोल रेखा, आकृति तथा आयाम में विशेष रुचि रखता था। अमिता को रंगों से प्रेम था। जहां एक ओर अमोल अपने विचारों, भावों तथा सुंदरता को सजग मूर्तियों द्वारा अभिव्यक्त करता, वहीं अमिता रंगों के माध्यम से इन्हें अभिव्यक्त करती। अमिता प्रकृति के चित्र बनाने में अपना सब कुछ भुला देती। ताजमहल के गुंबदों और खंभों की उत्कृष्टता ने अमित के मन में एक अमिट छाप छोड़ दी थी। वो घंटों लाल किले की भव्यता को निहारता रहता। घंटों किसी मस्जिद या गिरिजाघर की विशालता के आकर्षण में डूब जाता। दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान वो मदुरै, कांचीपुरम और रामेश्वरम के मंदिरों के गोपुरों की उत्कृष्टता को देखकर हैरान रह गया। जो कुछ वो देखता, फुर्सत के समय उसका चित्र बनाकर अमिता को दिखाता। अपने देश भारत तथा अन्य देशों की कलाओं की किताबों के पृष्ठों को पलटने में उसे बड़ा आनंद आता और स्थापत्य कला की कोई भी बारीकी उसकी आंखों से बच न पाती। उसका दृढ़ विश्वास था कि एक दिन वो शिल्पकार अवश्य बनेगा। वे दोनों समवयस्क थे और दोनों ही सुंदर वस्तुओं को प्यार करते थे। अमिता की रुचि चित्रकला में थी। जब वो छोटी थी तो उसकी ये रुचि पेंसिल तथा क्रेयॉन से शुरू हुई थी, किंतु अन्य माध्यम जैसे तैलचित्र और पानी के रंगों में भी उसकी प्रतिभा स्पष्ट झलकती थी। अपने रंग प्रयोगों के कारण उसके प्राकृतिक चित्रों की सभी सराहना करते। रंगों के चयन में रोम्ब्रो उसका प्रिय चित्रकार था। विश्व प्रसिद्ध चित्रकारों और उनकी कलाकृतियों से अमिता परिचित थी। उसकी दृष्टि में पिकासो एक महान कलाकार था। फुर्सत के समय वो कला की किताबों के पृष्ठ उलटती रहती। इस प्रकार उसने काफी जानकारी प्राप्त कर ली थी। अमोल के पिताजी कला के इतिहासकार थे। उन्होंने विश्व कला के इतिहास का गहन अध्ययन किया था। वे विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। उनकी गणना विद्वानों में होती थी। उनके घर में एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें कला, विभिन्न रूपरेखाओं, शिल्पकला, संगीत, विश्व सभ्यता संबंधी
अनेक पुस्तकें थीं। अमिता और अमोल के मन में पुस्तकों के प्रति प्रेम यहीं से उत्पन्न हुआ था। अमिता और अमोल अपने सहपाठियों से बिल्कुल भिन्न थे। उनके सहपाठियों में इस प्रकार की किताबों के प्रति कोई रुचि न थी। अमोल तथा अमिता भी हल्की-फुल्की किताबें पढ़ते तो थे, परंतु साधारणतया सुंदरता के प्रति उनका लगाव अधिक था। उनके माता-पिता जब भी देश के विभिन्न भागों की यात्रा करते, उन्हें अपने साथ अवश्य ले जाते। इस प्रकार उन्होंने ये जाना कि भारत के कारीगर बड़ी उत्कृष्ट वस्तुएं बनाते हैं, जैसे कढ़ी हुई ऊनी चादरें, जयपुर में बनी पीतल की वस्तुएं, दक्षिण भारत की गढ़ी सुंदर मूर्तियां, बिहार के मिथिला प्रदेश की स्त्रियों द्वारा बनाई गई चित्रकला, हैदराबाद में अभ्रक का काम और सारे देश के हाथकरघों के काम। ऐसा लगता था कि सारी सुंदरता को वे आंखों में भर लेंगे। अमोल की मां तमिलनाडु तथा पिता उत्तर प्रदेश के निवासी थे। मां की हिंदुस्तानी संगीत में रुचि ही दोनों को निकट लाने का मूल कारण थी। वो वीणा भी बजाती थीं और कर्नाटक संगीत पद्धति की शैलियों से भी परिचित थीं, परंतु उन्हें पंडित जसराज के गायन और अमजद अली खां के सरोद वादन से बहुत प्रेम था। दोनों को ही ये बात समझ नहीं आती थी कि हमारे देश में उत्तर तथा दक्षिण के बीच इतना तनाव क्यों है। मां बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती थी और पिता ने तमिल भली प्रकार सीखी थी। दोनों को ही एक दूसरे के जीवन की विशिष्टताओं में सुंदरता दिखाई देती थी। वे चाहते थे कि बच्चे बड़े होकर अच्छे भारतीय बने और उनमें देश के विभिन्न प्रांतों की सभ्यता तथा संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव हो। उन्हें ऐसे लोगों को देखकर बहुत दुख होता जो स्वयं को केवल एक विशिष्ट प्रांत, भाषा, संगीत और कला आदि से जोड़े रखते। कला तो सबकी धरोहर है। एक बार उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जब उन्हें एक नया अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ। वे उत्तर भारत की यात्रा पर थे। एक दिन प्रातःकाल गंगा में नौका विहार करते समय उन्होंने एक अपूर्व सूर्योदय देखा। ऐसा लग रहा था मानो कई सुंदर रंगों का एक गोला धीरे-धीरे जल से बाहर आ रहा हो। गुलाबी, कहरुबा, सुनहरा और लाल। आनंद के कारण उनकी सांस मानो रुकी की रुकी रह गई। अपनी यात्रा के दौरान कुमाऊं की पहाड़ियों के बीच एक दिन उन्हें त्रिशूल, नंदा देवी और अन्नपूर्णा की चोटियों में बर्फ की एक झलक मिली।
वो दृश्य इतना वैभवशाली था कि उसे देखकर उन पर चुप्पी सी छा गई। उनका मन मौन था। माँ ने कहा, मन की पूर्णता में ही सौंदर्य है। किंतु पिता ने कहा, शायद मन का रिक्त हो जाना ही सौंदर्य है, क्योंकि ऐसे क्षणों में मन में कोई विचार नहीं होते। अमोल तथा अमिता बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे। उस अनुभूति के बाद चित्रकला, शिल्पकला तथा संगीत के संबंध में अपने विचारों को लेकर वे इतने निश्चित न थे। उन्होंने ईश्वर की महानता के दर्शन किए थे और उसकी तुलना में कैनवस तथा पत्थरों पर मनुष्य की अनुभूति बहुत सीमित सी लगती थी। क्या सुंदर वस्तुओं के अवलोकन का आनंद तुमने कभी लिया है? तुम्हारी प्रिय वस्तुएं क्या हैं? क्या तुमने कभी सूर्योदय या सूर्यास्त को ध्यान से देखा है? कभी ऐसा करके देखो। सुरुचि क्या होती है? कक्षा में इस पर बातचीत करो। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संयोजन एवं आलेख अहिल्याचारी, अनुवाद राजी रमणन, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।